प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। महिलाएं पूरे देश में नारी शक्ति वंदन यात्रा में शामिल हुई है। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल के बारासात में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए ईमानदारी से काम किया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि एनडीए की वापसी से इंडी गठबंधन वाले बौखला गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो रेल में यात्रा कर छात्रों के साथ संवाद भी किया। आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव गांव हमारी माताएं बहनें बेटियां नारी शक्ति बंधन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां दो दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया और इस सब के लिए इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा, मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा, जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा। 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है।